मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के विज्ञापन को महाकाल से जोड़ने पर विवाद हो गया है। कंपनी का यह विज्ञापन एड एक्टर ऋतिक रोशन ने किया है। इसमें वह कह रहे हैं, थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी थाली की डिलीवरी नहीं करता है। जोमेटो और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन पर माफी मांगे। भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुझे बिल्कुल भी अहम नहीं है कि मैं ही योग्य हूँ। पार्टी मुझे दरी बिछाने का काम देगी तो राष्ट्रहित में यह भी कर लूंगा। पार्टी कहेगी कि जैत में रहो तो वहाँ रहूंगा। पार्टी कहेगी कि भोपाल में रहो तो भोपाल में रहूंगा। राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। भोपाल में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने कर्मचारियों को लात घूंसे से पीटा। साथ ही अतिक्रमण प्रभारी कंवर शाकिब को थप्पड़ मारा और उनके साथ झूमा झटकी कर जान से मारने की धमकी भी दी। हमलावरों में रिकॉर्डशुदा बदमाश भी शामिल है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है। पिछले 17 दिनों में नगर निगम कर्मचारियों पर हमले की ये दूसरी घटना है। जबलपुर के जिस एआरटीओ संतोष पाल के यहाँ बेहिसाब संपत्ति मिली, उसके भांडाफोड़ की कहानी 20,000 की रिश्वत से शुरू होती है। इसके मुख्य किरदार युवा वकील राजा कुकरेजा है। राजा अपने भाई की कार का रजिस्ट्रेशन कराने गए तो उनसे घुस मांगी गई। मना करने पर एआरटीओ अकड़ गया। राजा ने उसी दिन तय कर लिया था कि एआरटीओ के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। इसके बाद करीब 50 आरटीआई लगाई, लोकायुक्त में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 11 महीने लंबी लड़ाई लड़ी, तब एआरटीओ के यहाँ ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। पाल के यहाँ अब तक 21 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 और 22 अगस्त को भोपाल में रहेंगे। उनके वेलकम के लिए भोपाल सज रहा है। शाह जिन जिन रास्ते से गुजरेंगे वे चकाचक हो रहे हैं, तो ग्रिल रेलिंग की रंगाई, डिवाइडर की पुताई और कई खूबसूरत पेंटिंग भी बनाई जा रही है। स्टेट हैंगर, लाल घाटी, पॉलिटेक्निक चौराहा, स्मार्ट रोड, भदभदा रोड को चकाचक किया जा रहा है। दो दिन में सड़कें खूबसूरत की जाएगी। करीब 4 महीने में वे दूसरी बार भोपाल आ रहे हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को जम्बूरी मैदान में हुए सम्मेलन में शामिल होने आए थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।